हेलो लर्नर्स, मैं सर मनीष जोशी, एजुकेटर फिजिकल केमिस्ट्री। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी में स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कंबशन रिएक्शन है ना, जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है, कुकिंग में यूज़ होती है, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होती है, ऐसी कई रिएक्शन है जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, एग्रीकल्चर में यूज होती है, मेडिसिन में यूज होती है, कई रिएक्शन है जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देखा है। लेकिन कुछ यूनिक एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, तो कुछ रिएक्शन का कुछ ऐसा विशेष एप्लीकेशन हमें नजर आता है कि हमें देख के बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही एक रिएक्शन और उसके एक उपयोग के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है एक पर्टिकुलर रिएक्शन का, और ये रिएक्शन का यूज मेरे दादाजी ने किया था, और किस लिए किया था उसको भी समझते हैं, और ये रिएक्शन कौन सी है उसे भी समझते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में दीवारों पे पुताई करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता था, है ना, क्विक लाइम, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। उसको जब पानी में मिलाया जाता है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी होती है, वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है CaO प्लस, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस बनेगा और साथ में रिलीज होगी हीट। तो जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो हीट रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन का उपयोग मेरे दादाजी ने क्या किया, उन्होंने एक बिगड़े हुए घोड़े को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया। मेरे दादाजी घोड़ों के बड़े शौकीन थे, तो एक बार जैसे पुराने जमाने में जो घोड़े हैं ये सब मेलों में मिला करते थे, तो ऐसे ही वो एक मेले में गए, तो वहां पर देखा एक बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा उन्हें नजर आया। वो वहां गए, जो व्यापारी उसे बेच रहा था उसे उसके दाम पूछे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जो घोड़े का दाम था वो व्यापारी बहुत कम लगा रहा था, मतलब जो वास्तविक कीमत होनी चाहिए वो व्यापारी उसके बहुत कम दाम मांग रहा था। तो मेरे दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप ये इतना कम दाम क्यों मांग रहे हैं। तो उस व्यापारी ने बताया कि इस घोड़े में एक ऐब है, ऐब मतलब एक गलत आदत है। तो उन्होंने पूछा भाई कौन सी गलत आदत है, तो व्यापारी ने कहा इस घोड़े में एक बुरी आदत है कि यह जहां पर भी पानी देखता है, जैसे नदी दिखी, तालाब दिखा, तो उसमें जाके बैठ जाता है, और बैठ जाता है तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल से निकलता, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इसको हैंडल करने में, है ना, यानी इसके साथ में आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर उस समय पर जो यात्राएं होती थी वो घोड़े के द्वारा ही होती थी। तो अब ये बड़ी समस्या थी, इसलिए व्यापारी ने बोला कि मैं इस घोड़े को बहुत कम दाम में बेचना चाहता हूं। तो मेरे दादाजी ने कुछ सोचा और उन्होंने वो कम दाम में उस घोड़े को खरीद लिया। अब उसमें वो जो आदत थी उसे वो सुधारना था, और उस आदत को सुधारने के लिए ये रिएक्शन यूज की। अब कैसे यूज की, उन्होंने क्या किया कि ये जो घोड़ा है, उन्होंने इस घोड़े को जो बिगड़ा हुआ है, जिसमें एक आदत खराब थी कि पानी देख के वो बैठ जाता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घोड़े के पेट पर, जैसे एक घोड़ा है तो इसके पेट पे कपड़ा बांधा और इस कपड़े में रख दिया बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये घोड़ा जाता, अब जाते जहां उसको पानी दिखता उस पानी में वो बैठ जाता। अब जब वो पानी में बैठ जाता तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के संपर्क में आता तो हीट रिलीज होती, हीट रिलीज होती तो इसको गर्म महसूस होता, चटका लगता और ये तुरंत उठ जाता। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, उसके बाद में घोड़ा पानी में बैठने से डरने लगा, और डरने लगा तो उसके बाद में उसकी ये आदत छूट गई और वो एक घोड़ा, एक कीमती घोड़ा बन गया जिसे दादाजी ने बहुत कम दाम में खरीदा था। तो देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है ना इस रिएक्शन का। तो ऐसे ही आपकी कोई समस्या हो तो हो सकता है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपकी भी उस समस्या को हल कर सके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।